जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के अर्जित में। एक बड़ी अपडेट है उन छात्रों के लिए जिन्होंने अपना 12th पास कर लिया है। अब वो आगे की पढ़ाई को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं। लेकिन आपके लिए बता दें कि भारत सरकार ने एक एंट्रेंस एग्जाम रखा है जो कि आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट देना होता है। ये जो एक परीक्षा है वो NTA कराती है, यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी है वो, और जो कि आपको ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप छात्र भी इसका फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। इसके लिए आपका एक प्रतियोगिता परीक्षा होता है जो कि समान प्रवेश परीक्षा के नाम से जाना जाता है, और ये वो छात्र भी आवेदन कर सकते हैं जो कि अपियरिंग में है, तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इसकी परीक्षा की तैयारी के लिए भी कुछ गाइड बुक आए हैं यहाँ पर किरण पब्लिकेशन के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं कॉमर्स को लेकर, साइंस को लेकर और ह्यूमैनिटीज को लेकर, ये सारे जो है गाइड बुक आपको तैयार करके दिए गए, और ये पुस्तकें आपको मिल सकती है आपके रिटेल शॉप पे, या फिर आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इन सभी पुस्तकों के रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो में ही एक वीडियो क्लिप ऐड किया है, उस वीडियो को पहले सुन लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं CUET UG 2024 कॉमर्स की ये डोमेन स्पेसिफिक गाइड है। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, सबसे पहले आपको रीजन नोट्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज MCQ मिलते हैं, 21 सॉल्ट पेपर्स मिलते हैं, और साथ साथ आपको OMR शीट मिलता है क्योंकि पेन एंड पेपर मोड भी होना है और कुछ एग्जाम्स शायद ऑनलाइन मोड भी होना है, तो आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि बेस्ड ऑन क्लास 12 सिलेबस है। ये देखिए कॉन्टेंट में सबसे पहले आपको रिवीजन नोट्स मिलते हैं बिजनेस स्टडीज़ के जितने भी चैप्टर्स हैं, और बिल्कुल आपको अभी आज ही सिलेबस भी आया है, आप देखोगे सारे के सारे सिलेबस इसमें दे रखे हैं। और फिर उसके बाद आपको MCQ मिलता है, और फिर सॉल्ट पेपर्स मिलता है, ये बिजनेस स्टडीज का सॉल्ट पेपर्स हो गया। उसके बाद साथ साथ आपको अकाउंटेंसी हो गया, और फिर अकाउंटेंसी के जितने भी चैप्टर्स हैं कवर्ड वो सारे मिलते हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज MCQ मिलता है सभी चैप्टर्स पे, और पार्ट टू हो गया ये भी मिलता है। प्लस आपको ये देख सकते हैं इकोनॉमिक्स हो गया, फिर चैप्टर वाइज MCQs हो गए, फिर इसी तरीके से आपके सॉल्ट पेपर्स हर एक चैप्टर्स के मिलते चले जाते हैं। ये देखिए ये सिलेबस है जो कि आज ही रिलीज हुआ है, आज है 1 मार्च 2023, ये सिलेबस आज ही रिलीज हुआ है। इसके अकॉर्डिंग ये बुक टोटली डिफाइंड है और सारे सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं, जितनी भी जो भी NTA ने बताया है वो सब के सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सारे सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, फिर चैप्टर वाइज MCQ के सभी MCQ के बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, और साथ साथ सॉल्ट पेपर्स भी है। ये कंप्लीट बुक है, अगर बच्चा इसे बाय करता है तो उसे हर एक चीज एक ही बुक में मिलता है। बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर, जो भी छात्र यहाँ पे फॉर्म भरेंगे वो कैसे भरेंगे और ये प्रोसेस क्या होगा, और यहाँ पर जो है क्या क्या क्वालिफिकेशंस के साथ साथ डिटेलिंग मांगी गई है फॉर्म भरने को लेकर, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए। दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आप आकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहां मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यह डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट किया गया है, जो कि विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा है UG के लिए। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर आकर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आते हैं और क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे इसके फॉर्म भरने की फीस को लेकर भी चर्चा की गई है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितने यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई करोगे उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे फीस चार्ज देना पड़ेगा। और जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 1000 रुपए फीस है, OBC से आते हैं, NCL लगाते हैं और EW से हैं तो यहाँ पर 900 रुपए, और SC ST या PWD कैंडिडेट है या थर्ड जेंडर है तो 800 रुपए आपसे चार्ज किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 400 रुपया ईच एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर भी चार्ज किया जाएगा जनरल में, 375 OBC EWS को और 350 SC ST या PWD या थर्ड जेंडर के छात्रों। तो टोटल मिला के यहाँ पे देखेंगे तो जो अगर आप अदर स्टेट से आते हैं या अदर कंट्री से आते हैं तो इन फॉर्म को भरने के लिए 4500 रुपया से चार्ज किए जाएंगे। अदर कंट्री में मतलब कि हाँ, अदर कंट्री के स्टूडेंट भी चाहते हैं अगर वो भारत आकर अपनी शिक्षा को जी हाँ हायर लेवल पर लेकर जाए, यानी कि यूजी का कोर्स भारत में करें, तो उनके लिए चार्जेस कॉमन एंट्रेंस के एग्जाम को देने को लेकर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर देखी गई है, और यहाँ पे आइएगा तो इसकी सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, इसको अच्छे से पढ़िएगा। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी यहाँ दी गई है, लेकिन आपको यहाँ पे जो है आई एग्री पे क्लिक करना है। आई हैव डाउनलोडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पे आप लोग डाउनलोड करके एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आगे क्लिक करना है, प्रोसीड करना है आगे। ये जानकारी आपको देखिए अपडेट की गई है यहाँ पर कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो क्या आपके पास कोई आधार नंबर वगैरह है जिससे कि आप क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर अगर आप डिजी लॉकर अकाउंट है आपके पास तो उसे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना है, तो डिजी लॉकर अकाउंट को ये थ्रू जो है डिजी लॉकर के थ्रू ही आपको आवेदन करना होगा। तो उसको लेकर क्या है यहाँ पर अपडेट दिए गए कि इसके पास जिसके पास नहीं है वो डिजी लॉकर खाता बनाना चाहता है तो उसको क्लिक करना हो, तो यहाँ पे डिजी लॉकर का खाता भी आपका बन सकता है। और यहाँ पे अगर आपके पास एकेडमिक बैंक और क्रेडिट आईडी है, ABC ID इसको कहते हैं हम लोग, है ना, तो ये देखिए इसको फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अगर ये आईडी है आपके पास तो इससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एकेडमिक बैंक क्रेडिट आईडी नहीं है तो आप जो है यहाँ पे अपना खाता बना सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह है
तो उसके जरिए भी आप यहाँ पे अपना बना सकते हैं। पैन कार्ड वगैरह आप रखते हैं तो उसके जरिए भी आप यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पे जो कि इंडियन पासपोर्ट है, नॉन इंडियन पासपोर्ट, तो उससे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आधार कार्ड का नंबर देता हूँ यहाँ पे एक छात्र का, और ये आधार कार्ड नंबर यहाँ पे इनका डलेगा और जनरेट ओटीपी, यहाँ पे ओटीपी आपको आपके मोबाइल पे भेजा जाएगा जिस मोबाइल से आपका आधार कार्ड लिंक होगा, यहाँ पे क्लिक करके भेज सकते हैं। या फिर अगर मैं पैन कार्ड से क्लिक करूँ, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको डालना होगा और क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, आपके सामने यहाँ पे दोस्तों कैंडिडेट का नेम पूछेगा, वही नाम डालना है जो कि आपके मैट्रिकुलेशन में नाम है। अच्छा, फादर के नेम भी वही डालना है जो कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे है, मदर नेम भी सेम यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको अपना बताना है कि आपने 10th क्लास में जो है डेट ऑफ बर्थ जो डाला था वही, जेंडर क्या है आपका ये बताना है, मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है, नेशनलिटी इंडियन है या अदर कंट्रीज का है, फॉरनर है, या ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो आप इंडियन है तो इंडियन जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पे आप कौन सा जो है अपना डिटेल देना चाहते हैं, तो मैंने सपोज पैन कार्ड दे दिया है, उसका नंबर यहाँ पे फिर से आपको डालना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस के बारे में आपको बताना होगा नीचे आएंगे तो, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा इस फॉर्म को भरने से पहले एलिजिबिलिटी जरूर देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, और अगर आप अपियरिंग में हैं तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई है। तो आपको देखिए एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटीज में या किसी इंस्टीट्यूशन में, तो आपको ये एग्जाम देना होगा, जिसको लेकर आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बारे में भी डिटेल दिया गया है ना, कि फाइनल एग्जामिनेशन 10+2 का आपका जो है आपने कंडक्ट किया है, किस बोर्ड से किया है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और ये आपकी एलिजिबिलिटी में भी शामिल रहेगा, है ना। तो ये देख लीजिएगा यहाँ से आप लोग, इस पीडीएफ को मैंने शेयर भी कर दिया है अपने टेलीग्राम पे, वहां से आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यानी 12th पास है तो देखिए आपको अप्लाई कर देना चाहिए, या अपियरिंग में है, इस बार एग्जाम दिए हैं 2024 में 12th का, तो आपको ये आवेदन कर देना चाहिए और आपको यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं। अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं जिस कैटेगरी में है तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। हाँ, बट एक इसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा, एग्जाम जो है आपको एनटीए कंडक्ट करती है जो कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अब मैं जिसके फॉर्म में आऊँ तो यहाँ पे जो है जो आपका नेम है ना, एड्रेस देना है आपको, अपना नेम जरूर दीजिएगा, किस लोकेलिटी में है आप, यहाँ पे आपका जो है लोकेलिटी सब लोकेशन क्या है, कंट्री कौन से आप आते हैं, स्टेट कौन सा है आपका, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, पिन कोड क्या है और ईमेल एड्रेस क्या है। अगर ये सारी चीजें मान लीजिए कि आप डालते हैं यहाँ पे, अपना ईमेल एड्रेस जरूर डाल दीजिएगा जो कि कंफर्म कर दीजिएगा, और मोबाइल नंबर भी जरूर डाल दीजिएगा, उसको कंफर्म कर दीजिएगा यहाँ पर, और कोई अल्टरनेट नंबर है तो उसको भी जरूर डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। और अगर सब कुछ सेम रहा यहाँ पर इस परमानेंट एड्रेस में, यहाँ पे आई क्लिक पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, और आपको फिर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ये पासवर्ड जो है आपको यहाँ पे अपना जब सिलेक्ट करेंगे तो बोलेगा कि 8 से लेकर 13 वर्ड या लेटर का कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें कि आपका एक अपर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक लोअर केस और एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। तो उस तरह का जो है आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, सेम वही पासवर्ड यहाँ डालेंगे और यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देंगे, है ना, डेट ऑफ बर्थ, सिटी डाल दीजिएगा और यहाँ पे उसको बता दीजिएगा फिर कहाँ पर है। तो मान लीजिए कि मैंने डेहरी बिहार कर दिया, तो ये चीजें यहाँ पे आपको डालना है, और सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे दिया गया है इसको यहाँ पे डाल के इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो जैसे सबमिट कीजिएगा आप अगले पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें आपको जो है ना वेरीफाई कर लेना है कि आपने नाम सही डाला है, फादर नेम सही डाला है, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, है ना, डेट ऑफ बर्थ, और आपका ये जो मोबाइल नंबर है वो भी सही डाला है, ईमेल एड्रेस सही डाला है और एड्रेस भी आपने सही डाला है, और फिर आई एग्री पे क्लिक करके ये सबमिट और सेंड ओटीपी कर लीजिएगा। अगर कोई गड़बड़ है तो एडिट कर लीजिएगा यहाँ पर, नहीं तो फिर बाद में एडिटिंग नहीं होगी। तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर लीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी भेज दिया जाएगा, यस पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे। अब आपके ईमेल एड्रेस पर ये ओटीपी चला गया है, ईमेल एड्रेस चेक कर लीजिएगा और सिक्योरिटी कैप्चे को यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। उसी तरह मोबाइल को भी वेरीफाई करना होगा आगे चलकर। जैसे ही आप यहाँ पे अपना वेरीफाई करोगे तो आपके सामने ये ऐसा मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, ओके कर लीजिएगा यहाँ पर। अब आपके ईमेल आईडी पे भी एक एप्लीकेशन नंबर शेयर कर दिया गया है, इस ईमेल आईडी एप्लीकेशन नंबर को यहाँ डालिएगा, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड डालना है और इस कैप्चे को यहाँ डालकर लॉग इन कर लेना है। अब जो है आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना और पेमेंट करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट करेंगे उससे पहले ये बोलेगा कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको अपना मोबाइल वेरीफाई कर लेना होगा, और जरूर से कर लीजिएगा नहीं तो पेमेंट होते समय आपको ये समस्या आएगी। तो वेरीफाई योर मोबाइल यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सबसे पहले तो, और जो भी आपका नंबर है यहाँ पे, है ना, उसको देखिए यहाँ पे डाल के, और यहाँ पे जो है आपको इस कैप्चे को डालना होगा जैसे कि मैंने, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया यहाँ पे और मोबाइल पे भी एक ओटीपी आ जाएगा आपके जो कि आपको यहाँ पे डाल देना होगा। अब आपका यहाँ पे मोबाइल भी वेरीफाई हो चुका है। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे, यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे कंप्लीट करने को लेकर, और ये सारा डिटेल आपको यहाँ से दिखेगा, आपका जितना भी डिटेल यहाँ पे डाला गया है आपके द्वारा। अब इसको यहाँ पे कंप्लीट करके देखना है, 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, एग्री पे यहाँ पे रीचेक कर लीजिएगा और 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, कोई भी डिटेल छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है आपका बोलेगा कि एबीसी आईडी
तो ये आपके पास है नहीं अभी, तो ये नहीं डालिएगा। और आपको जो है अपना यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है। स्टेट डोमिसाइल क्या है आपका, सपोज बिहार से आप हैं तो ये क्लिक कर लीजिएगा। और क्या आप एज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यस और नो पे क्लिक कर लीजिएगा। क्या आप फादर या फिर अपने गार्जियन रेसिडेंस, तो ये अर्बन रूरल से आप किससे बिलोंग करते हैं ये बताना है आपको, सपोज अर्बन से हैं तो अर्बन बता दीजिएगा। और आप ये पूछ रहा है कि मोड ऑफ प्रिपरेशन, तो कि मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है आपका, तो सेल्फ स्टडी करेंगे या बुक्स से करेंगे, तो सेल्फ स्टडी जो बुक से करेंगे तो सेल्फ स्टडी, और जो बुक मैंने आपको रिकमेंड किया उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो इंग्लिश हिंदी जो भी है आप डालना चाहते हैं, हिंदी है तो हिंदी डाल दीजिएगा। और आई एग्री पे क्लिक करके जो है इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। ये सारा डिटेल आपका पर्सनल डिटेल सेव हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो आपके कैटेगरीज में बारे पूछेगा, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, तो यस एंड नो पे क्लिक कर लीजिएगा। आर यू कश्मीरी, तो यस या नो पे क्लिक कर लीजिएगा। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन में है, तो यस या नो पे क्लिक कर लीजिएगा। और क्लेम करना चाहते हैं एनसीसी कोटा से, तो यस और नो पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लेम करना चाहते हैं स्पोर्ट कोटा से, तो यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं। आर यू वार्ड यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कहीं है, तो आप भाई यस और नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा इसको सेव नेक्स्ट कर। फिर उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे आपके सामने ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब मांगेगा, टेंथ का ईयर ऑफ पासिंग कब का है आपका ये पूछेगा, रिजल्ट स्टेटस क्या है, पासिंग है या अभी फेल है, ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कब किया है आपने, जो भी आपने एग्जाम दिया है ट्वेल्थ के टेंथ को लेकर। फिर आपका प्लेस ऑफ स्कूलिंग पूछेगा, फिर आपका जो है टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज का नाम, जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये पूछेगा आपसे। फिर इसके बाद आपका पढ़ाई कहाँ से हुआ, इंडिया से हुआ या आउट ऑफ इंडिया से हुआ, ये पूछेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट पूछेगा आपसे यहाँ पे, तो ये आपको स्टेट अपना बताना होगा कि किस स्टेट से आपने। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन का जो है स्टेट बताइएगा, क्वालिफाई डिस्ट्रिक्ट बता दीजिएगा, कौन से बोर्ड से हैं आप, स्कूल कौन सा है और पिन कोड क्या है स्कूल का वहाँ पे जहाँ पे है, रोल नंबर बता दीजिएगा मैट्रिक वाला, रिजल्ट का मोड क्या है, परसेंटेज में है या सीजीपीए में है, कितना परसेंटेज आया है ये बता दीजिएगा। ट्वेल्थ के बारे में भी आपको जानकारी देनी है, क्योंकि न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन यहाँ मांगा गया है वो ट्वेल्थ का मांगा गया, तो एज इट इज यहाँ पे जो आपने भरा है वैसे ही यहाँ पे भी इसको बारे में जानकारी दीजिएगा। आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा, सेवन नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाइएगा, तो यहाँ से आपका जो है क्वालिफिकेशन डिटेल हो जाएगा। फिर किस यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करेंगे वो बताना है, टेस्ट सिटीज बताने हैं और पेपर के बारे में बताना है, एग्जामिनेशन सेंटर्स डिटेल बताने हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट करना है और फाइनल सबमिट करना है। दोस्तों कहाँ से अपनी पढ़ाई आगे की करनी चाहते हैं ये आपको यहाँ पे ये लिस्ट में नाम उनका दिखेगा। सपोज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, सपोज कोई सा भी एनआईटी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तो इसको ऐड कर लूंगा। आते हैं यहाँ पे क्लिक करके इसकी एलिजिबिलिटी को देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसको आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसके लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपको इसके यहाँ से कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग करने के लिए। यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिएगा, जैसे कि और भी अगर कुछ करना चाहते हैं, कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे बैचलर ऑफ ऑनर्स के लिए भी यहाँ पे जो है सॉरी बैचलर ऑफ साइंस के लिए भी कर दिया है या फिर बैचलर ऑफ बीए के लिए कर लिया या कॉमर्स कर लिया है सपोज मान लीजिए, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको ऐड कर दिया। अब इसके लिए भी यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी खुलकर आ जाएगी, इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं, या रिमूव भी करना हो तो रिमूव कर सकते हैं। आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा और सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका डिटेल चला गया यूनिवर्सिटी के बारे में। अब यहाँ पे जो है आपका टेस्ट पेपर सब्जेक्ट को लेकर चूज करने को बोलेगा, टोटल छह पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। सपोज पहला जो है आपने सब्जेक्ट इंग्लिश का चूज किया है और मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश ही देंगे टेस्ट पेपर सब्जेक्ट, दूसरा जो है आपने अगर चूज किया है हिंदी का तो आप हिंदी के लिए सिलेक्ट कर लिए और ठीक है, और ये टेस्ट पेपर डिटेल सिलेक्ट हो गया यहाँ पे सेव हो गया। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में डिटेल देना आपने ठीक है, तो पहला अगर आप बिहार चूज करते हैं तो आपको यहाँ पे इन सभी जगहों पे सेंटर्स मिल सकते हैं, तो सपोज मैंने पटना सेलेक्ट किया, दूसरा भी बिहार सेलेक्ट किया है और यहाँ पर मैं दूसरा जो है गया जिला को सिलेक्ट करता हूँ, तीसरा फिर बिहार सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो है आरा, और चौथा फिर बिहार सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो है औरंगाबाद जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सपोज यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करता हूँ, सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, ये भी आपका सेव हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको अपना एक फोटो जो कि 10 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए अपलोड करना है यहाँ पे क्लिक करके, और एक सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, ये डॉक्यूमेंट्स में यही दो चीज मांगा गया है। फाइनल सबमिट कर देना है इसके बाद, और उसके बाद अपने मोबाइल को वेरीफाई जो किया है वहीं पे आपको पेमेंट का डिटेल भी भेज दिया जाएगा और आपको सीधे पेमेंट वाले सेक्शन पे आ जाना है। जैसे आप पेमेंट वाले सेक्शन आप यहाँ से सारा डिटेल एक बार रीचेक कर लीजिएगा, आपका जो अपडेट किया हुआ सारा डिटेल दिखेगा है ना, और यहाँ से जो है आप इसको वेरीफाई भी कर दीजिएगा, नाम आपने सही डाला, डेट ऑफ बर्थ सही डाला है, फादर नेम, जेंडर सही डाला है, एड्रेस सही डाला है, सिटी सेंटर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कोर्स और सब्जेक्ट, और आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से क्लिक करके पे कर लीजिएगा। पेमेंट वाला जैसे क्लिक कीजिएगा आपको बोलेगा ये ऑप्शन आएंगे कि यहाँ से क्लिक करके जो है किसी से जो है आप पेमेंट कर सकते हो, ऐसे मैंने आईसीआईसीआई सेलेक्ट किया तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा पेमेंट वाला,
और यहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा। इसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लीजिएगा, है ना, जैसे पेमेंट कीजिएगा आपका पेमेंट हो जाएगा और उसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी अपने पास रख लीजिएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है आप CUET के ये प्रोग्राम को लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से इसका फॉर्म भर सकते हैं और अच्छे कॉलेज पा सकते हैं अपने आगे की अंडर ग्रेजुएट के कैटेगरी जितनी भी है, अगर जिस डिटेल में आप जाना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी कॉलेजेस आपको यहाँ से मिल सकते हैं। बेस्ट बुक के बारे में भी जानकारी दी है, वो बुक ले लीजिएगा। जय हिंद।